नहीं है तो कुछ नहीं कुछ क्वेश्चन लिखता हूं आप करें उसको। फाइंड द लिमिट देखो जहां क्वेश्चंस में जहां पे मैंने बॉक्स बना रखा है वो जीआईएफ होगा, और जहां पे वो फ्रैक्शन वाला कर्ली ब्रैकेट बनाऊंगा वो अपना फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होगा। इस बात का ध्यान रखना।
चलो पहला तो हो गया होगा, इसमें कोई डाउट होगा नहीं। एक्स वन डालोगे तो ये वन डालने के बाद वन माइनस फोर प्लस थ्री, देन ऊपर जीरो और नीचे थ्री, यानी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, देखो एक बात समझो, पहले समझ लो, अगर कर लो तो एक बात सुन लो। ये जो स्टेटमेंट मैं बोलने जा रहा हूँ, ये आपका लिमिट कंटिन्यूटी या डिफरेंशियबिलिटी, क्योंकि अल्टीमेटली कंटिन्यूटी या डिफरेंशियबिलिटी में भी हम लोग लिमिट ही कैलकुलेट करेंगे, हर जगह जरूरत पड़ेगी। ठीक है, लिमिट में बहुत सारे हम लोग क्या करेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे कि इस तरह के लिमिट्स को ऐसे करते हैं, वैसे लिमिट होगा तो कैसे करेंगे, मतलब समझोगे डिफरेंट टाइप्स के लिमिट्स के कंसेप्ट हम पढ़ेंगे कि भाई इस तरीके का अगर लिमिट आ गया तो उसको हैंडल करने का या फिर उसको प्रोसीड करने का तरीका अलग है, किसी और तरीके का आएगा तो कुछ और तरीके से फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत आगे से हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिमिट। ठीक है, तो उसमें जाने के लिए ध्यान देना मेन कंसेप्ट होता क्या है, ध्यान से सुनना, यही मेन पार्ट है लिमिट में, ये हर जगह आपको अप्लाई करना है कि लिमिट में क्वेश्चन चाहे जैसा भी आए, सबसे पहले हमें जो ऑब्जर्व करना है वो लिमिट का टाइप या पैटर्न ऑब्जर्व करना है कि भाई वो लिमिट जो गिवन है उसका टाइप क्या है, यानी कौन से टाइप का। थोड़ा अगर आपने सुन रखा हो इंडिटरमिनेट फॉर्म, यानी जीरो बाय जीरो है, या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी है, या इन्फिनिटी इंटू जीरो है, ठीक है ना, या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है, वो पढ़ेंगे हम लोग आगे। मैं एक थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया आपको दे रहा हूँ कि ये इनमें से कौन सा टाइप है, क्योंकि इन सबके टाइप्स के अलग अलग पैटर्न होते हैं क्वेश्चंस को सोल्व करने का। तो भाई हमें कौन सा अप्रोच या कैसे फॉलो करना है ये पता कैसे चलेगा, जब हम पता कर लेंगे कि टाइप क्या है, यानी जीरो बाय जीरो है तो उसका कुछ अलग स्ट्रेटजी है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है तो कुछ और तरीका है। ठीक है ना, तो अगर लिमिट का जब तक टाइप हमें पता नहीं होगा तब तक उसको हम प्रोसीड नहीं कर पाएंगे, उसको शुरू नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो ये पता कैसे चलेगा कि टाइप कैसे, टाइप कौन सा दिया है, तो उसके लिए सबसे फंडामेंटल काम, ध्यान रखना इस बात, किसी भी लिमिट के क्वेश्चंस को सोल्व करने का सबसे बेसिक पार्ट या जहां से हम स्टार्ट करेंगे अपना लिमिट के क्वेश्चंस को कैलकुलेट करना, वो ये है कि आपको सबसे पहले जो भी लिमिट दिया है ना उस लिमिट को गिवन एक्सप्रेशन में अप्लाई करके उसके टाइप को ऑब्जर्व करना। देखो जैसे मान लो ये दिया है, जैसे मान लो इसमें x टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स दिया हुआ, ये सब कुछ जानते हैं, इसमें कुछ अलग नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहला फंडामेंटल काम अपना ये होगा, इस वैल्यू को इस एक्सप्रेशन में डाल के चेक कर। तो जैसे x को इसमें सब जगह x को x इक्वल टू जीरो डालोगे तो उसमें क्या हो जाएगा, ऊपर साइन जीरो और नीचे जीरो। साइन जीरो भी क्या होता है, जीरो के इक्वल होता है, यानी न्यूमरेटर जीरो बन गया और नीचे वाला पार्ट भी जीरो ही है। तो ये टाइप क्या आ गया, ये टाइप आ गया जीरो बाय जीरो, समझ रहे हो ना, मतलब ये टाइप आ जाएगा जीरो बाय जीरो टाइप। ठीक है, अब सोचो ये पता कैसे चला, ये तो पता तभी चलेगा ना जब हम इसको अप्लाई करेंगे, समझ रहे हो ना। तो पहला फंडामेंटल काम लिमिट का ये है कि जो भी लिमिट गिवन है उस वैल्यू को आप उस एक्सप्रेशन में अप्लाई करो, जैसे उस एक्सप्रेशन में आप डालोगे, एक्सप्रेशन में डालने के बाद वो आपको टाइप बताएगा कि भाई साहब मैं इस टाइप से हूँ। जैसे आपको टाइप पता चल गया तो हर एक टाइप का एक फंडामेंटल कंसेप्ट होगा, आपको उस प्रोसीजर मतलब प्रोसीजर से आप उसको सोल्व कर लोगे। ठीक है ना, तो मेन कंसेप्ट ये है कि लिमिट, ध्यान रखना यही मेन पार्ट होता है। अगर ये आप समझ गए हो ना, फिर आगे आगे जो भी कंसेप्ट पढ़ोगे फिर उसमें अप्लाई करना आसान रहेगा। ठीक है ना, बहुत सारे लोग को लिमिट में क्या होता है कि हमें पूरी खत्म हो जाएगा लेकिन कंफ्यूजन उनका खत्म ही नहीं होता कि सर कौन सा टाइप है, कैसे करें, पता नहीं चल रहा है। तो उसी का मैं बता रहा हूँ तरीका कि वो आपको कंफ्यूजन ना रहो ना रहे, क्वेश्चन सोल्व हो ना हो अलग बात है, लेकिन आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अप्रोच हमें क्या फॉलो करना है। ठीक है ना, तो अप्रोच क्या फॉलो करना है वो कौन बताएगा, वो लिमिट का गिवन जो एक्सप्रेशन होगा उसका टाइप बताएगा। और वो टाइप कैसे पता चलेगा, तो जो लिमिट गिवन है ना उस वैल्यू को उस एक्सप्रेशन में अप्लाई करो, जैसे उस वैल्यू को उस एक्सप्रेशन में अप्लाई करोगे वो एक पैटर्न या एक टाइप आपको निकाल के दे देगा। जो टाइप निकाल के देगा वो टाइप के अकॉर्डिंग जो भी आपने पढ़ा है कंसेप्ट उसको अप्लाई कर देना। ठीक है ना, तो वो हमेशा ध्यान रखना। जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, वन को डाल दिया, ऊपर जीरो आ गया, नीचे वो थ्री आ गया, था जीरो बाई थ्री, ये तो जीरो रियल नंबर आ गया, कोई बात है उसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। यही मान लो कुछ और आता तो उसका टाइप लगा अप्लाई करते हैं, तो पता कैसे चलेगा कि जब तक हम इस वैल्यू को इसमें नहीं डालेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा ना। तो सबसे पहला फंडामेंटल काम लिमिट को कैलकुलेट करने के लिए, सबसे पहला काम ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि आगे मुझे ना बोलना पड़े और आपको इसमें कंफ्यूजन ना रहे, कि सबसे पहला फंडामेंटल काम अपना ये रहेगा कि उस वैल्यू को उस एक्सप्रेशन में डाल के उसके टाइप को उसके पैटर्न को देखना कि कौन से टाइप में वो कन्वर्ट हो रहा है।
जिस टाइप में वो कन्वर्ट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग उसकी जो भी आपने स्ट्रेटजी पढ़ी हो अप्लाई कर देना। ठीक है, तो खैर ये तो आसान था, तो वन डाला तो ऊपर जीरो हो गया, नीचे थ्री आ गया, तो जीरो बाई थ्री क्या होगा, जीरो ही होगा, तो इसका आंसर तो जीरो ही हो गया, इसमें कुछ करने की जरूरत और है नहीं। नहीं, साइन एक्स बाई एक्स एक्स टेंड इंटू जीरो वन होता है, ये थोड़ा बहुत लिमिट आपने 11th में भी किया होगा ना एनसीईआरटी में, बेसिक्स तो थोड़ा बहुत 11th किया होगा आपने, हालांकि वो भी करेंगे हम लोग, लेकिन चलो यहाँ देखो सेकंड फर्स्ट में आगे सबका सेकंड का आंसर भी बताओ, सेकंड का आंसर किसी का देखो सेकंड में क्या समझो, यहाँ पे सेकंड में दिया रखा है एक्स टेंडिंग टू इनफिनिटी साइन एक्स, ठीक है, तो जैसे एक्स टेंडिंग टू इनफिनिटी है पहला काम क्या है, अभी मैंने बताया सबसे पहला फंडामेंटल काम अपने को ये होता है कि इस वैल्यू को इस एक्सप्रेशन में डाल के उसके टाइप को चेक करो, ठीक है ना, तो जैसे एक्स टेंडिंग टू इनफिनिटी इसमें अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, आप एक्स टेंडिंग टू इनफिनिटी डालोगे आंसर क्या आएगा, साइन इनफिनिटी, ये तो आएगा। अब साइन इनफिनिटी कितना होता है, इन्फिनिटी क्या है, इन्फिनिटी एक सिंबल है जो सबसे ग्रेटेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर को बताता है, तो इन्फिनिटी के बारे में एग्जैक्ट कौन सा रियल नंबर होगा वो हमें नहीं पता होता, ये क्या होता है, ये तो अजम्पशन होता है ना, ये मानते हैं हम लोग कि भाई रियल नंबर में सबसे जो पॉजिटिव ग्रेटेस्ट नंबर है वो हम इन्फिनिटी उसको हम लिखते हैं, ठीक है ना, तो इन्फिनिटी के बारे में एग्जैक्ट कितना वैल्यू होगा वो हमें नहीं पता, ध्यान से सुनना, इन्फिनिटी के बारे में ये हम मान के चलते हैं, ये सिंबोलिक है इस तरह के समझो कि सबसे ग्रेटेस्ट पॉजिटिव नंबर को इंडिकेट करता है, तो ये पॉजिटिव सबसे बड़ा नंबर है, लेकिन सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर वो कितना नंबर होगा वो तो हमें पता ही नहीं, तो इन्फिनिटी कोई पॉजिटिव नंबर है वो नंबर कितना है ये नहीं पता, तो जब ये नंबर एग्जैक्ट हमें नहीं पता तो साइन में अगर तुम कोई नंबर डालते हो और उस नंबर का एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता है तो साइन वैल्यू कैसे देगा, तो देगा ही नहीं, साइन क्या बोलेगा भैया वो मेरे को एग्जैक्ट नंबर दो, मान लो तुम बोलो ये पाई बाई टू है तो पाई बाई टू का वन दे देगा, ये पाई है तो जीरो दे देगा, पाई बाई फोर का हो गया तो फिर वो वन बाई टू देगा, तो ये जो नंबर है उसमें कौन सा पार्ट है कैसा पार्ट है वो एग्जैक्ट हमें पता ही नहीं है, तो जब हमें पता नहीं है तो ये नंबर उसके कॉरस्पॉन्डिंग देगा नहीं एग्जैक्टली, फिक्स नंबर नहीं देगा क्योंकि ये नंबर फिक्स नहीं है ना, ये नंबर फिक्स नहीं है तो इससे कॉरस्पॉन्डिंग साइन इन्फिनिटी भी क्या आएगा, फिक्स नहीं आएगा, तो ये फिक्स नहीं आएगा तो इसका मतलब लिमिट क्या होगा इसका, डज नॉट एग्जिस्ट, क्यों, तो याद करो कि भाई लिमिट क्या होना चाहिए, एग्जैक्ट होना चाहिए, फाइनाइट, याद है ना, तो ये एग्जैक्टली कौन सा नंबर होगा ये नहीं पता, हाँ इतना हम बता सकते हैं कि भाई ये नंबर चाहे जो भी हो इसका जो रेंज आएगा ना वो माइनस वन से वन के बीच में ही आएगा, समझ रहे हो, क्योंकि साइन के अंदर कोई भी नंबर डालोगे आप, साइन के अंदर कोई भी नंबर आप डालोगे तो उसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगा भाई, वो माइनस वन से वन के बीच में ही आएगा इंक्लूडिंग बोथ नंबर्स, तो हमें एग्जैक्टली पोजिशन इसका नहीं पता ना, तो जब इसका पोजीशन नहीं पता तो ये नंबर जो आएगा वो माइनस वन से वन के बीच में तो आएगा, लेकिन कौन सा नंबर आएगा वो हमें नहीं पता, तो जब वो हमें नहीं पता तो ये क्या बताएगा, ये इतना ही बता सकता है कि मेरा जो वैल्यू है माइनस वन से वन के बीच में, और हम क्या बोल रहे हैं, हमें तो एग्जैक्टली नंबर डिमांड कर रहे हैं तो वो दे नहीं रहा, तो हमने क्या बोला कि भाई लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, नहीं साइन जो है देखो साइन का देखो ग्राफ देखो, साइन ग्राफ ऐसे होता है ना, अब ये साइन का पॉजिटिव है लेकिन ये साइन का पार्ट क्या आ गया नेगेटिव है ना भाई, ये तो पॉजिटिव एक्स वाला वैल्यू है ना, ये सारे पॉजिटिव एक्स के वैल्यू है, लेकिन पॉजिटिव एक्स में भी साइन का वैल्यू नेगेटिव होता है ना, अगर ये 3 पाई बाई 2 है कितना 3 पाई बाई 2, तो साइन में 3 पाई बाई 2 डाल दो तो साइन क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा ना, समझ गए, चलो ध्यान रखना मैंने एक आपको बताया कंसेप्ट कि जब भी आपको लिमिट का क्वेश्चन सोल्व करना है तो सबसे पहला फंडामेंटल काम क्या, चेक द टाइप या पैटर्न ऑफ गिवन एक्सप्रेशन, ठीक है, पहला काम आपको यही करना है, उसके बाद लिमिट को जो भी पैटर्न आएगा, हालांकि इसमें कोई टाइप नहीं है, ये जनरल मैंने लिमिट दिया ताकि थोड़ा आपको आइडियाज लगे कि लिमिट में कुछ कुछ क्या करते हैं कैसे कैसे करते हैं, इसमें कुछ कुछ कंफ्यूजन वाले पार्ट भी हैं वो भी आपके क्लियर होंगे ताकि उसको हम कैरी ऑन आगे करेंगे, आगे आपकी डिफिकल्टी कम हो, इसलिए
कुछ कॉन्सेप्ट के लिए मैंने दिया है कि थोड़ा प्रैक्टिस आपका हो जाए, उस कॉन्सेप्ट में आप रूबरू हो जाए। हाँ तो सेकंड में कोई डाउट नहीं है। चलो भाई थर्ड का आंसर बताएं कोई। थर्ड में किसी का आंसर? चलो आदित्य का आंसर आया, सही है। अनवी का भी सही है, वर्षा का सही है, रुद्राक्ष। मतलब चलो बहुत लोग समझ गए आपको। तो पहला फंडामेंटल काम एक्स को इसमें डालना। एक्स को जब आप डालोगे तो 1/∞ आ जाएगा, और 1/∞ क्या होगा, जीरो के पास, और साइन जीरो कितना होता है, जीरो, तभी तो जीरो आ जाएगा। बताइए आ गया, और साइन 1/∞ यानी साइन एग्जैक्टली कहते हैं 0+, यानी 0+ हो जाएगा यानी 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कोई डाउट नहीं है, डाउट हो तो पूछते चलना, थॉट तो डाउट नहीं होना चाहिए। वैसे फोर्थ करें, फोर्थ में राजवीर का आंसर गलत है, आर्या का भी गलत है, शिवांश का भी गलत है, स्वास्तिक का सही है, अनवी का सही है, आदित्य का अब सही हुआ, आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज आ रही है सबको? अच्छा देव, चलो देखते हैं। कल मैंने लास्ट क्लास में, कल क्लास में मैंने लिखाया भी था कि कहीं अगर बॉक्स आ गया, जीआईएफ मतलब जीआईएफ आ गया, फ्रैक्शन आ गया, मॉडुलस आ गया, तो उन सारे क्वेश्चंस में हम क्या लगाते हैं, एलएचएल और आरएचएल दोनों निकालते हैं। इसमें बॉक्स लगा हुआ है ना, तो इसमें अपना प्रायोरिटी क्या रहेगा, इसमें एलएचएल भी निकालना, इसमें आरएचएल भी निकालना। इसके ऊपर के तीन क्वेश्चन में हमने डायरेक्ट लिमिट निकाला, क्यों, क्योंकि उस कैटेगरी में कुछ नहीं आ रहा था, ये जनरल लिमिट गिवन था, तो इसीलिए हमने एलएचएल और आरएचएल नहीं किया। लेकिन यहाँ हमें एलएचएल भी निकालना पड़ेगा और आरएचएल भी निकालना पड़ेगा, ठीक है? तो क्यों निकालना पड़ेगा ये क्लियर होना चाहिए, हाँ, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने बहुत चिल्ला चिल्ला के समझाया। एलएचएल निकालोगे यहाँ तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस बॉक्स एक्स, यानी जीरो माइनस का बॉक्स यानी माइनस वन आ जाएगा। आरएचएल निकालोगे तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस बॉक्स एक्स। अब देखो आरएचएल जीरो आ गया, एलएचएल माइनस वन आ गया, दोनों फाइनाइट है लेकिन दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो क्या आ जाएगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना। आगे से अगर कोई लिमिट आपका आंसर आए ना डज नॉट एग्जिस्ट, तो आंसर ऐसे लिखा करो, देखो आंसर ऐसे लिखा करो, एल मतलब एलएचएल और आर मतलब आरएचएल, एलएचएल के आगे मतलब एल के आगे एलएचएल वाला लिमिट लिखना और आरएचएल के आगे आरएचएल का लिमिट लिखना, केवल डीएन ही मत लिखा करो आप, ठीक है, क्योंकि उससे मुझे फिर पता नहीं चलेगा ना कि आपका जो लिमिट निकला है, क्योंकि अक्सर बहुत सारे क्वेश्चंस में गलत लिमिट आने के बाद भी आंसर सही होते हैं। मान लो यहाँ वन आना था आपने जीरो निकाल दिया, यहाँ टू आना था यहाँ वन निकाल दिया, तो पहले भी डिफरेंट था अभी भी डिफरेंट था, लेकिन दोनों अलग अलग हो गए ना, तो आगे से आंसर लिखना जब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो, तो उस केस में एल के आगे एलएचएल, आर के आगे आरएचएल। हाँ ठीक है, चलो हो गया। फिफ्थ का बताओ, फिफ्थ में आदित्य का सही है,
राजवीर का भी सही है। अगर एग्जिस्ट करेगा तो आपको आंसर लिखना है, डज नॉट एग्जिस्ट करेगा तो एल और आर दो पार्ट लिखने, ध्यान रखना इसका। रुद्राक्ष का गलत है, अन्वी का सही है। अच्छा राजवीर का गलत है, अन्वी अच्छा सिक्स बता रहा हूँ, फिफ्थ बताओ, फिफ्थ 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 का क्या है? अच्छा ठीक है ठीक है, फिफ्थ में राजवीर का सही है, सिक्स तो मैं देखा नहीं ना, सिक्स करते हैं। चलो फिर वो बॉक्स लगा होगा, यानी एल एच एल आर एच एल दोनों निकालना है, ठीक है? तो एल एच एल निकालो, ठीक है? अभी जीरो माइनस है, एक्स से रिप्लेस बाय जीरो माइनस, जीरो माइनस का स्क्वायर, क्योंकि एक्स का स्क्वायर है। अब कोई नंबर मान लो स्लाइटली नेगेटिव है, और जीरो माइनस का मतलब क्या, वो नंबर जीरो से थोड़ा कम है। अब अगर उसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये बाय क्या बन जाएगा, जीरो प्लस, और जीरो प्लस का जीरो आ जाएगा। सिमिलरली आर एच एल जीरो, यानी आर एच एल एल एच एल दोनों फाइनाइट है और जीरो है, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा और जीरो बिल्कुल। सिक्स में कोई डाउट, सॉरी फाइव में कोई डाउट नहीं है ना, सिक्स पर है। सिक्स का राजवीर का गलत है, इनफैक्ट सबका गलत है, जिन्होंने सिक्स का निकाला है किसी का सही नहीं है। देखो जल्दी जल्दी मत करो, हाँ यानी कि जल्दी जल्दी करके मैं खत्म कर दूं। टाइम और एक्यूरेसी दो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जेई में रैंक एंड सिलेक्शन के लिए, और अगर टाइम और एक्यूरेसी में कोई पूछे कि मेन कौन सा है तो एक्यूरेसी होनी चाहिए। हाँ टाइम कम लगाओ लेकिन गलत हो गया तो क्या मतलब, देखो बॉक्स लगा हुआ है तो इसका मतलब हमें एल एच एल और आर एच एल दोनों निकालने हैं। शिवांश का गलत है, राजवीर का भी गलत है,
आदित्य का इनकम्प्लीट है। अच्छा एलएक्सएल निकालें इसका। यानी ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन ऑफ जीरो माइनस, ये तो होगा एक्स इज रिप्लेस बाय जीरो माइनस। अब जीरो माइनस पे साइन का वैल्यू क्या होता है, उसके लिए साइन का ग्राफ थोड़ा देखना पड़ेगा। देखो वैल्यू याद है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये साइन हो गया, ये जीरो हो गया। अब देखो साइन जीरो पे तो जीरो होता है ना, जीरो के आगे जाओगे तो ग्राफ ऊपर गया, जीरो के आगे ग्राफ ऊपर है मतलब स्लाइटली पॉजिटिव हो गया, जीरो के पीछे जाओगे तो ग्राफ नीचे है यानी स्लाइटली नेगेटिव हो गया। यानी अगर जीरो के पीछे जाओगे तो साइन का, अगर जीरो के पीछे आओगे तो साइन ग्राफ नीचे आ रहा, नीचे आने का मतलब क्या हुआ, हमें तो इसके वैल्यू से मतलब है ना, क्योंकि इसके ऊपर बॉक्स लगा हुआ, इनपुट यहाँ है, अब इसका आउटपुट आएगा एंड आउटपुट पे हमने बॉक्स अप्लाई कर, तो आउटपुट इसका क्या आएगा, जीरो माइनस आएगा क्योंकि स्लाइटली नीचे है वो, यानी ये जीरो माइनस हो गया और ये क्या हो जाएगा माइनस फोर। समझ रहे ना, इसको माइनस वन बोलेंगे। उसी तरीके से आरएचएल निकालो, यानी क्या आ गया जीरो आ गया। तो देखो दोनों फाइनाइट है लेकिन दोनों आपस में इक्वल नहीं है, दैट्स व्हाई फंक्शन का जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। फिर बोल रहा हूँ जब भी आपका एग्जिस्ट नहीं करे तो आप एग्जिस्ट ना करे ये मत लिखो, आप एल लिखो आर लिखो, ठीक है ना। सेवंथ का सेवंथ में रुद्राक्ष का गलत है, राजवीर का भी गलत है, राजवीर अरे सिक्स ये सामने रहा है ना, सिक्स में एलएचएल माइनस वन आरएचएल जीरो डज नॉट एग्जिस्ट। राजवीर का भी गलत है, शिवांश का भी गलत है, स्वास्तिक बहुत बढ़िया बेटा, स्वास्तिक का सही है, पहला आंसर स्वास्तिक का है, इसका सही है। अरे आदित्य मैंने ये बोला कि डज नॉट एग्जिस्ट जब आया तो एल और आर लिखो, मैंने ये बोला था इनकम्प्लीट है, ये नहीं बोला गलत है, समझा। जब भी एल आया मतलब डज नॉट एग्जिस्ट आया तो आप एल लिखो आर लिखो। फिर तुम वही लिख रहे हो दोबारा आदित्य, फिर दोबारा तुम वही लिख रहे हो। चलो स्वास्तिक के बाद
का थोड़ा गलत लग रहा है मेरे को, चेक करो एक बार। अनवी का सही है, अनवी का गलत है। शिवांश का गलत है, आर्या का गलत है, राजवीर का भी गलत है, लवण्या का भी गलत है, आदित्य का सही है, मतलब दो लोगों के सही है अभी, आदित्य और स्वास्तिक। हाँ आप ऑर्थो का सही है, आर्थो का है, आर्थो है। अनवी का आप सही है, चलो थोड़ा वही कंफ्यूजन था। आगे देखो एलएचएल आरएचएल थोड़ा, चलो देखो अगर आपने गलत निकाला ऑप्शन में, पता क्या होता है ऑप्शन में मल्टी करेक्ट में ये भी दिया होता है कि एलएचएल ये होगा, आरएचएल ये होगा, डजनेट एग्जिस्ट होगा, फिर उसमें बहुत सारी चीजें होती है। तो अगर मान लो डज नॉट एग्जिस्ट आ गया और एलएचएल और आरएचएल गलत आ रहा है तब भी आपका आंसर सही नहीं होगा, और मल्टी करेक्ट हमेशा खतरनाक क्वेश्चन काउंट होते हैं। देखो एलएचएल निकालेंगे इसमें तो लिमिट एक्स टेंड इनटू जीरो माइनस, अब कॉस सॉरी जीरो बोल रहा हूँ, पाई है ना, यानी कॉस की वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग टू पाई बाय टू स्लाइटली लेस देन, उसके कोरस्पॉन्डिंग निकालना है। तो ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ से क्लियरली थोड़ा दिखता है आपको कि उसके पीछे जाओगे या आगे जाओगे तो क्या वैल्यू आ रहा है, विजुलाइज करके लिखोगे ना विदाउट प्लॉटिंग द ग्राफ, तो हमेशा थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा। नहीं आप देख पा रहे हो, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कंपलसरी है ग्राफ बनाना, ये मैंने नहीं बोला, मैंने बोला कि अगर आप देख पा रहे हो तो अच्छी बात है, अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन लगे तो बहुत टाइम थोड़ा लगेगा, 2 या 3 सेकेंड लगेंगे आपको ग्राफ बनाना, तो थोड़ा सा ग्राफ बना दो, इसका कॉस का ग्राफ आ गया, ये पॉइंट कौन सा है, पाई बाई टू है, ये तो पाई बाई टू है, कॉस का ग्राफ में आगे पाई बाई टू आ गया। अब हमें पाई बाई टू के पीछे देखना है, तो पाई बाई टू के पीछे जाओगे तो पाई बाई टू से पीछे जाने पर ग्राफ इसका ऊपर जा रहा है, ग्राफ ऊपर जाने का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव साइड में जा रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर है यानी वो 0 से बड़ा है ना, तो अगर पाई बाई टू से कम है तो इसका आउटपुट क्या होगा, कॉस 0 प्लस, सॉरी 0 प्लस हो जाएगा, और 0 प्लस का 0 आएगा। ठीक है, सिमिलरली आने से निकालोगे आप तो क्या आएगा, कॉस पाई बाई टू से थोड़ा सा आगे प्लस, अब कॉस पाई बाई टू का आगे क्या है, थोड़ा नीचे, नीचे होने का मतलब 0 माइनस यानी नेगेटिव में, यानी क्या हो जाएगा माइनस। अब देखो नीचे होने का ये मतलब नहीं होता है कि भाई वो -1 कर दो, भाई किसी नंबर से थोड़ा नीचे और थोड़ा आगे मतलब उसी के आगे पीछे होगा ना, तो पाई बाई टू का अगर 0 है तो पीछे जाओगे तो थोड़ा 0 से बड़ा होगा, और पाई बाई टू से आगे जाओगे थोड़ा 0 से कम होगा, तो उसी के नेबरहुड में वो चीजें निकालनी पड़ेगी। देखो एक बार 0 से थोड़ा ज्यादा है, दूसरे बार 0 से थोड़ा कम है, तो ये ध्यान रखना। तो डज नॉट एग्जिस्ट तो है लेकिन उनके आरएचएल और एलएचएल वो थोड़ा ध्यान से कैलकुलेट करो, फिर मैं बोलूंगा थोड़ा भी कंफ्यूजन लगे ना तो आप ग्राफ प्लॉट कर लो वो बेहतर होता, ग्राफ हमेशा सही और सटीक चीजें आपको बताएगा, कंफ्यूजन भी नहीं होगा उसमें और देखना भी आसान रहेगा, अब बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता उसमें। अरे देखो ना पाई बाय टू के पीछे देखना है, पाई बाय टू का आगे देखना है, तो पाई बाय टू के जो पीछे, पाई बाय टू के पीछे है ना, पाई बाय टू का कॉस का वैल्यू क्या है, 0 है, तो पाई बाय टू से जब पीछे जाओगे आप तो स्लाइटली वो क्या वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, अबव द एक्स एक्सिस है ना, तो अगर अबव द एक्स एक्सिस है तो क्या होगा, स्लाइटली पॉजिटिव, स्लाइटली पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, आउटपुट 0 प्लस आएगा, और 0 प्लस का बॉक्स क्या आएगा, 1, सॉरी 0 प्लस का बॉक्स 0।
ग्राफ को देखो, ग्राफ को ऑब्जर्व करो कि एक्स के करस्पॉन्डिंग उस फंक्शन का वैल्यू कितना हो रहा है। राजवीर क्लियर हुआ? ठीक, चलो एट्थ का भी बताओ। एट्थ का फर्स्ट में आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है, आ रही है। कभी कभी थोड़ा ऑडिबल नहीं होता वो, थोड़ा मैं धीरे बोलने लगता हूँ उसको, बहुत गर्मी है यार थोड़ी सी। चलो भाई बताएं, एक्स का फर्स्ट में हाँ ठीक है, आदित्य का सही है, और किसी का? आर्या का भी सही है। हालांकि थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था, सेकंड क्वेश्चन अब नहीं था। एट्थ का फर्स्ट जो है, दैट इज जो अपना प्रीवियस फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन था वही है। देखो मैं ध्यान सब, चलो आ गया, मैं एक बार समझ लो एट्थ के फर्स्ट में, ठीक है ना? क्योंकि ध्यान देना, ये जो है ना, ये वाला लिमिट और ये वाला फंक्शन, ठीक है ना? ये वाला लिमिट और ये वाला फंक्शन अगर कहीं आए तो उसमें LHL और RHL दोनों आपको निकालने पड़ेंगे। क्यों मैं बताता हूँ, क्योंकि जो हमने कल लिखा था ना उसमें ये वाला फंक्शन नहीं था। हालांकि मैंने एक बात बोली थी आपको कि अगर आपको लगे कि किसी वैल्यू के, मतलब जहां पे लिमिट हो उस लिमिट के आगे और पीछे अगर वैल्यू डिफरेंट हो सकता है तो वी हैव टू फाइंड LHL एंड RHL सेपरेटली। ये मैंने एक बात बोली थी कल, हमने जो लिखा था कि भाई GIF हो, क्या नाम है, फ्रैक्शनल पार्ट हो, सिग्नम हो, मोडुलस हो, या फिर नॉन यूनिफॉर्म फंक्शंस हो, उसमें तो निकालते ही निकालते हैं LHL और RHL अलग अलग, लेकिन कुछ अलग फंक्शंस भी आएंगे जहां पर हो सकता है कि देखो अगर एक्स जीरो है और डायरेक्टली इसमें जीरो डालोगे तो 1/0 क्या होगा, अनडिफाइंड, तो 1/0 तो हम नहीं डाल सकते ना। अभी तक जितना तुमने क्वेश्चन किया है उन सब में जो भी लिमिट था वो डायरेक्टली हम डाल सकते थे या उसके आगे पीछे भी डाल सकते थे। इसमें जीरो डायरेक्टली आएगा ही, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जैसे जीरो डालोगे 1/0 हो जाएगा, 1/0 अनडिफाइंड होता है, वो हम डाल नहीं सकते। तो क्या करना पड़ेगा, या तो जीरो प्लस डालना पड़ेगा या जीरो माइनस डालना पड़ेगा। ध्यान से सुनना, ये जब भी आए तो इसके लिए दो करना पड़ेगा। क्यों दो करेंगे? क्योंकि अगर डायरेक्ट लिमिट निकालोगे तो 1/0 डालना पड़ेगा। डायरेक्ट लिमिट में हम क्या करते हैं कि जो भी पॉइंट गिवन है उसको उसमें डाल दो, डायरेक्ट लिमिट यही तो था। अगर LHL और RHL हम नहीं निकाला, देखो जितने क्वेश्चन में जहां पर तुमने LHL और RHL के जगह पर केवल लिमिट निकाला है वहां पर क्या करते, वहां पर जो भी लिमिट गिवन है उसको हमने x को रिप्लेस कर दिया उससे। तो यहाँ भी अगर x को जीरो से रिप्लेस करेंगे तो क्या पता चलेगा, भैया नीचे का नंबर जीरो नहीं हो सकता, तो x डायरेक्टली जीरो तो नहीं जाएगा। तो अगर x डायरेक्टली जीरो नहीं जाएगा इसका मतलब क्या हुआ, वी हैव टू फाइंड सेपरेटली LHL एंड RHL। तो चलो देखते हैं एक बार, LHL निकालते हैं। देखो LHL हम निकाला तो क्या मालूम चला, 1/0 माइनस, 1/0 माइनस क्या होता है, माइनस इंफिनिटी, ठीक है ना? 1/0 माइनस क्या होता है, माइनस इंफिनिटी। और माइनस इंफिनिटी पे साइन का वैल्यू क्या आएगा, सेम वही बात है कि जैसे इंफिनिटी क्या होता है, ग्रेटेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर हम मानते हैं, उसी तरीके से माइनस इंफिनिटी लीस्ट नेगेटिव रियल नंबर हो गया, ठीक है ना? सबसे छोटा नंबर रियल नंबर हो गया इनफैक्ट। तो माइनस इनफिनिटी तो रियल नंबर में सबसे छोटा रियल नंबर है, लेकिन वो तो एजम्पशन है, एग्जैक्ट वैल्यू क्या है वो अभी भी हमें नहीं पता। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता होगा, अगर ये हमें एग्जैक्ट नहीं पता तो उससे कोरस्पॉन्डिंग साइन ऑफ माइनस इनफिनिटी भी एग्जैक्ट रियल नंबर नहीं देगा। हाँ लेकिन ये जरूर बताएगा कि इसका जो आउटपुट आएगा वो माइनस
माइनस वन से वन के बीच में आएगा, ये जरूर बताएगा हमें, माइनस वन से वन के बीच में आएगा, लेकिन कितना नंबर आएगा वो नहीं बताएगा हमें। क्यों? क्योंकि उसका इनपुट एग्जैक्टली डिफाइंड नहीं है। तो अगर उसका इनपुट एग्जैक्ट नहीं है, जो हम बता पाए भाई कितना नंबर है, तो उसका आउटपुट भी एग्जैक्ट नहीं आएगा। हाँ ये है कि क्योंकि साइन बाहर लगा हुआ है तो उसके रेंज से बाहर नहीं आ सकता, और साइन का रेंज क्या होता है, माइनस वन से वन। तो जो भी आउटपुट आएगा दैट इज लाइज बिटवीन माइनस वन टू वन। ठीक है, उसी तरीके से आरएच निकालो आप। तो सेम आरएच के लिए क्या आवाज आ रही है, क्या गड़बड़ हो रहा है राजवीर, सुन पा रहे हो? अच्छा सबको आ रही है, बाकी थोड़ा चेक करो कहीं हो सकता है, डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट हो जाओ, कहीं हो सकता है प्रॉब्लम हो कभी कभी। हाँ तो इसमें कोई डाउट नहीं है ना? तो देखो यहाँ पर ये भी माइनस वन से वन है, ये भी माइनस वन से वन है, लेकिन ये कितना है और ये कितना है दोनों हमें नहीं पता। हो सकता है दोनों इक्वल हो जाए और हो सकता है दोनों इक्वल ना हो। तो अगर जब इक्वल होंगे तब तो डिफाइंड होगा, लेकिन उसमें ये भी पॉसिबिलिटी बचा है ना कि दोनों इक्वल ना हो, इसीलिए इस केस में क्या बनेगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। समझ रहे हो ना? क्योंकि आइदर ऑफ द लिमिट जो है माइनस वन से वन के बीच में है, लेकिन कितना नंबर है वो हम नहीं क्लेम कर पा रहे। सॉरी ठीक है, इतना जोर से बोलूंगा यार तो। चलो क्लियर हुआ इस बात में? देखो जितना क्वेश्चंस कर रहे हो ना, ये सारे लिमिट्स के बेसिक्स कंसेप्ट होते हैं, जो आगे जो हम क्वेश्चंस करेंगे ना, या जो टॉपिक करेंगे, जो इसमें टाइप करेंगे, उन सब में ये बाय डिफॉल्ट यूज होते हैं। तो वहां पर मुझे ये समझाना ना पड़े, इसलिए मैं इतना आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना? और इसी के लिमिट में जो लोग मिस्टेक्स करते हैं ना, वो आप ना करो, ठीक है? लिमिट का चैप्टर खत्म हो जाएगा, कंटिन्यूटी डिफरेंसिबिलिटी भी खत्म हो जाएगा, और बहुत लोग लिमिट में ही तो सही से नहीं बता पाते। हाँ वही बताया मैंने, एलएचएल और माइनस आरएचएल दोनों क्या है भाई, फाइनाइट एग्जैक्ट रियल नंबर नहीं दे रहा ना, इसलिए एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब एट्थ का दो बताओ सेकंड। सेकेंड पार्ट तो वही है ना, सेकेंड पार्ट जो है ना वो सेकेंड क्वेश्चन देखो, सेकेंड क्वेश्चन एक तो था मेरा साइन एक्स वाला, याद करो वही क्वेश्चन है। सेकेंड पार्ट इज इक्वल टू सेकेंड क्वेश्चन, अच्छा सेकेंड पार्ट कैसे करेंगे? अरे ये तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम मेरे से पूछ रहे हो, पहले तुम करो तो सही, वो तो मैं बताऊंगा ही। चलो आदित्य का सही है, रुद्राक्ष का सही है, शिवांश का सही है, राजवीर का गलत है, आर्या का सही है, अगर सेकंड क्वेश्चन आप कर पा रहे हो ना अपने से और सही से कर पा रहे हो तो फिर बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है, सेकंड आप समझ पा रहे हो। हाँ राजवीर का सही है। अब देखो देखो मैं बताता हूँ, देखो इसमें और इसमें, देखो ध्यान समझो, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, क्यों लेक्स का भाई, ये फंक्शन एज इट इज नीचे आ गया, कैरी हो गया, लिमिट भी सेम है, एक एक्स एक्स्ट्रा आ गया, यही तो हुआ। देखो यहाँ ऊपर वाले में फर्क क्या हुआ, यहाँ एक्स आ गया, तो यही तो होगा भाई, एक्स जीरो माइनस जाएगा तो ये नंबर भी क्या हो जाएगा, जीरो माइनस, तो जीरो माइनस मल्टीप्लाइड बाई साइन वन बाई एक्स, सॉरी मतलब एक बार मैं लिख देता हूँ, देखो ऐसे था, तो इक्वल टू जीरो माइनस
इंटू, ये तो होगा जीरो माइनस इंटू साइन वन बाई जीरो माइनस। अब ये देखो ये नंबर तो यही रहेगा, अब अगर मान लो ये नंबर, ध्यान देना ये नंबर अगर माइनस वन से वन के बीच में है, और ये नंबर क्या है, ये नंबर जीरो से थोड़ा सा नेगेटिव है, तो कोई नंबर लगभग जीरो है उसको किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करो। रियल नंबर का मतलब क्या होगा, जो माइनस वन से वन के बीच में, भाई कोई भी नंबर हो, वो माइनस वन हो, माइनस वन बाई टू हो, माइनस वन बाई थ्री हो, वन बाई टू हो, वन बाई एट हो, कोई भी हो, अगर एक नंबर माइनस वन से वन के बीच में है और एक नंबर लगभग जीरो है, तो जीरो का किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आउटपुट क्या आएगा, जीरो ही तो आएगा। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि पहला नंबर जीरो हो रहा था, दूसरा नंबर एग्जैक्टली कितना आएगा वो नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है कि ये नंबर माइनस वन से वन के बीच का नंबर है, तो ये नंबर माइनस वन से वन के बीच का है और ये नंबर जीरो हो गया, तो जीरो को अगर किसी मतलब रियल नंबर जो माइनस वन से वन के बीच का है मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही तो होगा, तो एल एच एल क्या हो गया, जीरो आ गया। सेम कंसेप्ट फॉर आर एच एल, मतलब आर एच एल क्या आएगा, जीरो ही आएगा, क्यों, क्योंकि सेम वही बात है, एक नंबर माइनस वन से वन के बीच का है और दूसरा नंबर जीरो हो रहा है, तो एल एच एल और आर एच एल दोनों जीरो हो गए। देखो ये लोग हमेशा कंफ्यूज होते हैं इन दोनों में, इसमें अगर कंफ्यूजन है तो पूछो, लेकिन आगे नहीं होना चाहिए, कन्विंसिंग तरीके से आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये वाला क्यों डिफाइंड नहीं हुआ और ये वाला क्यों डिफाइंड हो रहा और जीरो हो रहा है, ठीक है ना। लाइफ में इन दोनों में कभी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए आप। नहीं स्वास्तिक वो नहीं होगा, वो मैं ऐसे जो तुम लिख रहे हो ऐसे मैं होमवर्क देने वाला हूं, सेम वही तुम्हें दूंगा आज, देखते हैं कितने लोग सोच के आते हैं। इसमें किसी को डाउट हो तो बताओ, 8th का सेकंड में एट्थ का थर्ड पार्ट है नहीं बेटा, नाइन्थ का फर्स्ट है। उठो चलो, मैं ये डाउट तो अगले आते हैं। नाइन्थ का फर्स्ट देखो, नाइन्थ का फर्स्ट ये आपका इलेवन का ही पार्ट है, ये वाला स्टैंडर्ड लिमिट है, ये लगभग बोलते हैं कि सब सोए रहोगे तब भी बता दोगे वाला पार्ट है। बिल्कुल सही, देखो बड़ा स्टैंडर्ड होता है ये, आगे हम पढ़ेंगे भी, आगे पढ़ेंगे लिमिट में ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट, तो वहां आएगा भी, ठीक है। तो ये दोनों आपको याद होना भी चाहिए, क्योंकि इलेवेंथ में इतना तो आपने किया होगा, एनसीईआरटी तो किया होगा तभी पढ़ के आए होगे यार, ठीक है ना, एनसीईआरटी में ही है लिमिट थ्री पार्ट। तो साइन एक्स बाई एक्स हो या टेन एक्स बाई एक्स हो, एक्स टेंडिंग टू जीरो दोनों के दोनों क्या होते हैं, वन होते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला और ये वाला, ठीक है, दोनों का मैं बता दिया, फर्स्ट और फर्स्ट, टेंथ और नाइन्थ दोनों फर्स्ट का स्टैंडर्ड लिमिट है, वन होगा दोनों में, ठीक है ना। नहीं कॉस एक्स बाई एक्स वन नहीं होता, वो अनडिफाइंड होता है, रख के देखना, अगर कॉस ऊपर है एक्स नीचे रहे तो कॉस जीरो तो वन हो जाएगा ना, तो न्यूमरेटर वन हो जाएगा और नीचे जीरो हो जाएगा, तो वन बाय जीरो क्या होगा,
वो इन्फिनिटी आ जाएगा, यानी अनडिफाइंड टाइप का होगा। चलो अब सेकेंड और थर्ड बात, सेकेंड और थर्ड एक अच्छा कंसेप्ट है, देखो सेकेंड और थर्ड बताऊं, उससे पहले देखो एक समझ लो, ये बार बार आपको यूज होगा, ठीक है। देखो ये ग्राफ बना ले, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये जो लाइन है ना स्ट्रेट लाइन, ये वाई इक्वल टू एक्स लाइन है, ये जो ग्राफ है ये वाई इक्वल टू टैन एक्स का है, और ये जो है वो वाई इक्वल टू साइन एक्स का है। तो तुम्हें दिख रहा होगा कि वाई इक्वल टू एक्स बीच में है, उसके ऊपर टैन है और उसके नीचे साइन है। इन्हें ग्राफ बना लो, ये बार बार आएगा भी, दोनों के बीच का कंपेरिजन तीनों का मतलब। ठीक है अब बात समझो, ध्यान देना, अगर x 0 से पाई बाय 2 के बीच का है, मतलब ये अपना 0 है, तो उस केस में देख सकते हो यही तो है। दिख रहा है भाई, अगर 0 से पाई बाई 2 के बीच में साइन सबसे छोटा है, उसके ऊपर y इक्वल टू x है, और उसके ऊपर क्या है tan x है, यानी tan x सबसे बड़ा, उसके नीचे x और उसके नीचे sin x, तो वही इनइक्वालिटी दिखा मैं, sin x इज द लिस्ट, x उससे बड़ा है और tan x सबसे बड़ा है, किसके बीच में, जब x 0 से पाई बाई 2 के बीच में, ठीक है ना। अब इसमें x को अगर डिवाइड कर दे, ध्यान देना, अगर x को डिवाइड कर दो, x कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर, तो अगर x को डिवाइड करोगे आप, तो ये एक इनइक्वल, पहले लिख लो मतलब समझ लो फिर लिखना, पहले आप समझ लो आपको फिर लिखोगे फिर समझ नहीं आएगा, ठीक। तो अगर x से आप डिवाइड करोगे तो साइन एक्स सॉरी साइन एक्स बाई एक्स बनेगा, और ये टैन एक्स बाई एक्स बचेगा, और यहाँ पर क्या बनेगा वन, और x कैसा नंबर है, x 0 से पाई बाई 2 के बीच का है, यानी पॉजिटिव रियल नंबर है। तो अगर x को आप डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं आएगा, याद है ना, कि अगर किसी नंबर को इनइक्वालिटी में डिवाइड करते हो या मल्टीप्लाई करते हो दोनों सेम बात होता है। अगर वो नंबर पॉजिटिव है तो उस इनइक्वालिटी पर कोई इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर नंबर नेगेटिव हो तो साइन को उल्टा कर देगा। जैसे देखो ना, मान लो माइनस टू है और माइनस सिक्स है, ये तो होगा माइनस टू और माइनस सिक्स में कौन बड़ा होगा, माइनस टू, दोनों तरफ थ्री से मल्टीप्लाई करो, तो थ्री से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस टू इंटू थ्री और माइनस सिक्स इंटू थ्री, यानी क्या हो जाएगा, ये माइनस सिक्स और माइनस एट्टी, जो ऊपर था वही नीचे आ गया, इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इसी में अगर माइनस टू को माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करो तो उल्टा हो जाएगा, देखो ये कितना हो गया सिक्स और ये कितना हो जाएगा एटीन हो गया। तो जो ये था ना, अगर इसमें किसी जो भी इनइक्वालिटी प्री डिफाइंड है, जो पहले गिवन है,
अगर उसमें किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो रिटेन रहता है, और अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो रिवर्स हो जाएगा। मल्टीप्लाई या डिविजन दोनों सेम बात है। मल्टीप्लाई मतलब क्या, डिविजन का मतलब क्या हुआ, वन बाई समथिंग से मल्टीप्लाई करना। तो अगर यहाँ पर एक्स से डिवाइड करोगे और एक्स इस बीच का है भाई, गिवन है ना, अगर एक्स इसके बीच का नंबर है, कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, ऑब्वियस बात है। तो अगर पॉजिटिव नंबर है और उससे डिवाइड करोगे आप तो क्या बनेगा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये क्या साइन एक्स बाई एक्स और टैन एक्स बाई डी है। ठीक है, क्या मैं बोल रहा था, अब आते हैं दूसरे वाले पार्ट पे। देखो अगर माइनस पाई बाई टू से जीरो हुआ, ये लो पास, तो देखो उसमें साइन ऊपर है, उसके नीचे एक्स और उसके नीचे टैन, यानी इसमें साइन एक्स सबसे बड़ा है और टैन एक्स सबसे छोटा है। देखो ना नेगेटिव में है ना, सबसे नीचे है तो टैन सबसे छोटा हो गया, उसके ऊपर एक्स हो गया और उसके ऊपर साइन हो गया, यानी साइन एक्स बड़ा, एक्स उससे छोटा और टैन सबसे छोटा। अब इसमें एक्स से डिवाइड करो, ध्यान देना आप, तो क्या होगा साइन एक्स बाई एक्स, ये तो वन हो जाएगा, और ये टैन एक्स बाई एक्स। अब ध्यान रखना एक्स कैसा नंबर है, एक्स इज अ नेगेटिव नंबर, दिख रहा है ना, सिंस एक्स बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू टू जीरो, तो एक्स कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया, तो ये उल्टा हो गया। देखो ये दोनों अलग है, लेकिन देखो यहाँ दोनों सेम आ रहे हैं, देख रहे हैं, बताओ डाउट किसी को, डाउट किसी को, ठीक है, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी है, और कैसे आता हूं मैंने आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन कर दिया। तो टाइप ऑफ इनइक्वालिटी दोनों में सेम आ रहा है, ये वाला पार्ट फाइनल कंक्लूजन जो है ना दोनों में सेम है, यानी इन दोनों को ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन एक्स बाई एक्स इज लेस देन वन इज लेस देन टैन एक्स बाई एक्स व्हेन एवर एक्स बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू एक्सक्लूडिंग जीरो। यानी समझो मोटा मोटी बात ये हो गया कि साइन एक्स बाई एक्स वन से कम होता है और टैन एक्स बाई एक्स वन से बड़ा होता है।
चलो आ गया। हाँ किसी को डाउट नहीं है। अब आते हैं देखो उस पे आते हैं। अब देखो दोनों में डिफरेंस समझो, दोनों में डिफरेंस क्या है कि एक बार का हमने लिमिट बॉक्स के बाहर लगाया है, दूसरी जगह लिमिट हमने बॉक्स के अंदर लगाया। देखो दोनों में अंतर क्या है, ठीक है ना। दोनों में डिफरेंस ये है कि इसमें लिमिट इस पे लगाएंगे इसके आउटपुट पे, और इस पे क्या होगा, इस पे बॉक्स इसके आउटपुट पे आएगा। जो लिमिट का वैल्यू आएगा ना उस पे बॉक्स लगाएंगे, और इसमें इसके वैल्यू के ऊपर लिमिट लगेगा। तो हमें मालूम है कि साइन एक्स बाई एक्स कैसा नंबर है। साइन एक्स बाई एक्स क्या है, लेस देन वन है। तो ये नंबर जो है देखो ध्यान देना, ये नंबर जो है क्या है, ये लेस देन वन हो गया ना। अगर ये नंबर लेस देन वन है तो उसका बॉक्स क्या आएगा, जीरो आएगा ना। ध्यान देना ये बॉक्स क्या आएगा, ये जीरो आएगा। यानी ये हो गया इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, ये जीरो हो गया। इस जगह पर ये नंबर जो होगा वो जीरो के इक्वल होगा, और जीरो पे कुछ भी लिमिट लगाओ क्या आएगा, जीरो ही आएगा। ठीक है, इसमें करोगे तो देखो इसमें क्या है, इसमें लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स है, तो ये लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स क्या होता है, वन। ठीक है ना, वन प्लस ना वन माइनस, याद करो कल क्लास में मैंने बताया था कि लिमिट हमेशा फाइनली एग्जैक्ट नंबर में एक्सप्रेस होता है। तो इसका जो भी आउटपुट आएगा एग्जैक्टली उसको लिखेंगे। तो इसका आउटपुट चाहे प्लस हो या माइनस हो, फाइनली लिमिट का आउटपुट क्या लिखेंगे, एग्जैक्ट नंबर। और एग्जैक्ट नंबर अगर वन है तो वन का बॉक्स भी वन है। बताओ इन दोनों एग्जाम्पल में कोई डाउट है। कोई डाउट है किसी को? थर्ड पार्ट, थर्ड देखो वही तो, देखो मैंने कल भी ये बात बोला था, याद करो कि भाई लिमिट अगर हम निकालते हैं तो वो एग्जैक्टली नंबर हम फाइनली जो आंसर लिखते हैं ना एग्जैक्ट नंबर लिखते हैं। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स वन होता है, तो ये नंबर वन हो गया। इसमें और इसमें फर्क क्या है, इसमें साइन एक्स बाई एक्स के ऊपर लिमिट है, और यहाँ पर लिमिट क्या है, साइन एक्स बाई एक्स के बॉक्स के ऊपर लिमिट है ना। ये लिमिट डायरेक्टली इसके साथ लगा हुआ, यानी क्या पढ़ेगा इसको, साइन एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स, लेकिन ये क्या होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग जीरो बॉक्स ऑफ साइन एक्स बाई एक्स। यानी लिमिट यहाँ पर डायरेक्टली साइन एक्स बाई एक्स के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, इसीलिए इसका जो आएगा रिजल्ट उस पर लिमिट लगेगा, इसमें इसका जो आंसर आएगा उस पर बॉक्स लगेगा। इसमें बॉक्स बाहर है, इसमें लिमिट बाहर है। ठीक है, हाँ। तो आई होप 7th 10th आप कर लोगे। 10th एग्जैक्टली वही पार्ट है जो अभी 9th मैंने कराया था। कुछ और मैं क्वेश्चंस लिख देता हूँ एज ए होमवर्क, वो करके आना, ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास।
चलो देखो, सारे जो करा है थोड़ा बहुत आज के क्लास से रिलेटेड है, कोई इसमें थ्योरम यूज नहीं होगा, ठीक है ना? इसमें कोई थ्योरम यूज नहीं होगा, जो हमने नहीं पढ़ा वो यूज नहीं होगा, बस ये ध्यान रखना, थोड़ा ध्यान से करना इसको, ठीक है ना? जो चीजें हमने बोला है, जो मैंने बोला है, अगर दिक्कत हो तो दोबारा इस वीडियो को दोबारा आप देख लेना, ठीक है ना? उसके बाद इसको करना, लेकिन गलत इसमें नहीं होना चाहिए, एक 11th को छोड़ के, ठीक है ना? बाकी सारे आपके सही होने चाहिए, 11th थोड़ा अच्छा है, ठीक है? कहीं आप देखोगे नहीं, खुद से ट्राई करो तो थोड़ा कंसेप्ट भी आपके क्लियर होंगे, सोचोगे तो क्लियर होगा, ठीक है? चलो ठीक है, 10th और 16th तक सारे कर लेना, ठीक है? कुछ पूछना है किसी को? चलो बिल्कुल, बाय, टाटा भी करते हैं। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना? करके आना और थोड़ा पढ़ के आना, डाउट हो तो वीडियो देख सकते हो आप, यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है, ठीक है? चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।